हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टेटेक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान और गुजरात के जितने भी स्टेटेक जीके से रिलेटेड पॉइंट हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा आपके जितने भी SSC या रेलवे, इसके अलावा PSC, MPPSC, UPSC तक के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आपके कवर होंगे। साथ ही स्टेटेक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं वो किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो बहुत शॉर्ट बनाया गया ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं उसके 2 घंटे पहले भी जितने भी स्टेटेक के जीके के वीडियो मैं बना रहा हूँ वो भी आप 2 घंटे में कवर कर लेंगे और यहाँ से आपके जीके का कोई भी, स्टेटेक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले राजस्थान के बारे में। दोस्तों, मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की है। भारत के मैप में राजस्थान को गुजरात ने घेर रखा है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से मध्य प्रदेश, यहाँ थोड़ी सी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा और पंजाब इसकी सीमा इन स्टेट से, साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना की गई थी। राजधानी जयपुर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। बात करें सीमाओं की, तो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में। बात करते हैं राज्य स्थापना दिवस की, तो 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट बात है, तो राजभाषा यहाँ की हिंदी और राजस्थानी है। पशु यहाँ का चिंकारा है। राज्य के पक्षी घोड़ाबड़ है। वहीं बात करें फूल की, तो रोहिड़ा राजकीय फूल है और खेजड़ी राजकीय वृक्ष है राजस्थान का। 33 कुल जिले हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है जो जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, विधानसभा सदस्य की 200, लोकसभा सदस्य की 25 और राज्यसभा सदस्य की 10 है संख्या राजस्थान में। बात करते प्रथम राज्यपाल की, तो गुरुमुख निहाल सिंह यह प्रथम राज्यपाल थे। हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं बात करें चोटियों की, तो अरावली और गुरु शिखर प्रमुख चोटियां हैं राजस्थान की। बात करें लोक नृत्य की, तो घूमर, झूमा, चाकरी, गड़सौर, कालबेलिया, गोगा, तेजा ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों, कालबेलिया तो हर एग्जाम में, अगर आप SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे कालबेलिया के बारे में ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करते त्योहार की, तो गंगौर पुष्कर मेला, अजमेर उर्स, डेजर्ट उत्सव और ऊंट उत्सव प्रमुख त्योहार हैं राजस्थान के। बात करें झीलों की, तो सबसे ज्यादा झीलें राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें राजसमंद है, जैसमंद है जो उदयपुर में है, पिछोला ये भी उदयपुर में है, सांभर झील जयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी, लूणकरनसर बीकानेर में स्थित है, डिडवाना झील नागौर में है और फतेह सागर ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी का अगर टॉपिक नहीं होगा जिस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बात करते राष्ट्रीय उद्यान की, तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा में स्थित है, डेजर्ट घाना जिसे हम घाना के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान यह केवलादेव में है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान माधवपुर में है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। दोस्तों, डेजर्ट या घाना को हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको इतना याद रखना है। बात करें स्टेडियम की, तो मानसा स्टेडियम जयपुर में है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ उपनाम है, कुछ शहरों के उपनाम जिन्हें हम उपनाम भी किस नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है, ब्लू सिटी और सन सिटी ये जोधपुर को कहा जाता है, वहीं सफेद सागर झीलों का शहर पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। बात करें नदियों की, तो राजस्थान में लूनी, बनास, काली सिंध और चंबल नदी यहाँ से होकर निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यूनेस्को साइट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर को 2019 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जो जैसा है के द्वारा बनाया गया था यह 2010 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। वहीं पहाड़ी किले, यहाँ पर जितने भी किले हैं दोस्तों पहाड़ों पर स्थित हैं, 4-5 किले हैं जो राजस्थान में हैं, उन पूरों एक साथ मिलाकर 2013 में पहाड़ी किले के नाम से यूनेस्को साइट में ऐड किया गया। वहीं बात करें जनजातियों की, तो राजस्थान में
भील मीणा दमारू सेठिया बमचा रावत सुथार और मेघवाल ये प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रमुख स्थलों की। तो यहाँ पर जो घूमने लायक या दार्शनिक स्थल है वहाँ उसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू में स्थित है। थाईदन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। बूंदी का किला बूंदी में स्थित है जो राजा नरसिंह के द्वारा बनवाया गया था। छत्रमहल बूंदी में राजा छत्रसाल के द्वारा बनवाया गया था। अब ये जैसे दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कानपुर महल, कानपुर महल में शाहजहां के द्वारा धौलपुर में बनवाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर उदयपुर में फतेह सेन ने बनवाई। नाहरगढ़ किला हवा महल गुजरात में स्थित है। तो ये प्रमुख दार्शनिक स्थल हो गए यहाँ के, आपको इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। भारत में 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, ये राजस्थान में ही है। भारत में राजस्थान में थार का मरुस्थल है। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। जैव ईंधन लागू करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ी नहर जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं 1984 में इसको नाम दिया गया। इसका निर्माण कार्य 1954 से शुरू हुआ था। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। पाकिस्तान से सीमा बनाते वाले चार जिले जैसे गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर भारत में पुष्कर में है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। सफेद संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है चूड़ी हवन जुता हुआ खेत कालीबंगन से प्राप्त हुए जो एक यूनेस्को साइट है। राजस्थान की सबसे खारी झील सांभर झील है। 3 तरह से बिजली कोटा में बनाई जाती है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र रावत भाटा के नाम से राजस्थान में लगाया गया है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन जैसलमेर में लगाया गया। विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा 1458 से 1468 के बीच बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइटें हैं वह कालीबंगन और तरखनवाला डेरा, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की साइटें हैं राजस्थान में। दोस्तों ये तो बात हुई राजस्थान की, बात करते हैं अब गुजरात की। तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं गुजरात स्टेट की है। गुजरात की जो सीमा है वह महाराष्ट्र से, यहाँ पर मध्य प्रदेश से, यहाँ राजस्थान से और इस तरफ पाकिस्तान से। वहीं दोस्तों यहाँ पर दादर और नगर हवेली और यहाँ पर दमन और दीव हैं। तो यहाँ ये यूटी हैं तो इनसे भी सीमा लगती है। साथ ही अगर बात करें सागर की तो अरब सागर से भी सीमा साझा करता है गुजरात। चलिए बात कर दें यहाँ की राजधानी की। तो गांधीनगर राजधानी है। लिंगानुपात 919 प्रति 1000 पुरुष यहाँ पर लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें प्रमुख भाषा तो गुजराती यहाँ की प्रमुख भाषा है। कुल 33 जिले हैं गुजरात में। विधानसभा सदस्य 182, लोकसभा सदस्य 26 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है गुजरात में। उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है और राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बात करें सीमाओं की तो पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमाएं गुजरात से साझा करती हैं। वहीं बात करें राजकीय पशु की तो एशिया शेर राजकीय पशु है। हंसावर राजकीय पक्षी है गुजरात का। राजकीय पेड़ आम है गुजरात का। वहीं राजकीय फूल गलगोटा है गुजरात में। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो मेहंदी नवाबगंज ये प्रथम राज्यपाल हुए थे। डॉक्टर जीवाराम मेहता प्रथम मुख्यमंत्री हुए गुजरात में। त्योहार की बात की जाए तो जन्माष्टमी दीपावली नवरात्र कच्छ रण उत्सव मकर संक्रांति डांगी दरबार और राघव राय मेला ये प्रमुख त्योहार हैं गुजरात में। अग्रिम उत्पादन की बात करें तो कपास और मूंगफली में अग्रिम उत्पादन करता है गुजरात, यानी भारत में डोमिनेंस गुजरात का ही कपास और मूंगफली के मामले में। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान की, यहाँ से आप मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। और आपको ये वीडियो अगर दोस्तों ये फैक्ट याद भी नहीं होते तो आप वीडियो दो और तीन बार देख लेंगे एक बार तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। दो या तीन बार में आप वीडियो पूरा याद कर लेंगे, इतने भी ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ग्रीवन, मरीन और नल सरोवर ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं गुजरात में। वहीं कृष्ण अभयारण्य और जल सरोवर ये अभयारण्य हैं गुजरात में। अब दोस्तों आपको अगर याद भी करना है तो आप शॉर्ट शॉर्ट में याद कर ले, जैसे बसंदा, ब्लैक बक, ग्रीवन, मरीन, ये ऐसी ट्रिक हो गई। नल सरोवर, कृष्ण और जल सरोवर ये इतना भी आप याद कर लेते हैं, ये पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। बात करें सिंधु सभ्यता की साइटों की, तो लोथल यहाँ पर स्थित है जो सिंधु का एकमात्र साइट है जहां पर बंदरगाह देखने को मिला है। रंगपुर, सुरकोटदा और धोलावीरा सिंधु सभ्यता की साइटें हैं गुजरात में। बात करें बांध की, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सूरत में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर सूरत में स्थित है। बात करें स्टेडियम की, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों यह क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत में स्थित है, जो अहमदाबाद में है। तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत में बनाया गया है। और माधवराव सिंधिया स्टेडियम ये भी गुजरात में ही स्थित है। बात करें दर्शनीय स्थल की, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। हिलती मीनारे, काकरिया झील ये दर्शनीय स्थल है गुजरात का। हड़प्पा स्थल, लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह है, ये भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या दर्शनीय स्थल हैं गुजरात में। दोस्तों बात आई है यूनेस्को साइट की, तो आपको बता दें पावगढ़ पुरातात्विक पार्क को 2004 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। रानी की बावड़ी 2014 में ऐड हुई। अहमदाबाद को 2017 में और धौलावीरा को 2021 में गुजरात की यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। वहीं बात करें जनजातियों की, तो गुजरात की जनजातियां काली, राबड़ी, भारवाड़ और चारण ये प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का हीरा शहर और कपड़ा शहर सूरत को कहा जाता है। अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में ही खोली गई। ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम गुजरात में ही किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कच्छ का रण जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, जो एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी भी गुजरात में ही स्थित है। कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारत का पहला बंदरगाह है। दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया और इनकी राजधानी दमन बना दी गई। और अब भारत में यूटी की संख्या कुल 8 हो चुकी है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ऐसी कौन सी नदी है भारत में जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो इट्स माही नदी। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा था। गोहिलवार तट खंबात की खाड़ी में स्थित है। गिरनार, बारदा और मांडव पहाड़ियां जूनागढ़ के पास हैं। भरूच नर्मदा नदी के किनारे है और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करें नमक अनुसंधान केंद्र की, दोस्तों ये भावनगर में स्थित है। रानी की बावड़ी पालनपुर में है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बावड़ी का चित्र अंकित है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात कहा जाता है। भारत का तेल शोधक कारखाना जामनगर में लगाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार को लोह पुरुष की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कपास, नमक, मूंगफली का उत्पादन गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना अलंग में स्थित है। दोस्तों पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर है। भारतीय दुग्ध विकास परिषद 98 में स्थित है। तुरी, बंगाल, पावा लोकवाद्य यंत्र है गुजरात की। सुदर्शन झील को मौर्यों के द्वारा बनाया गया था। आपको याद रखना है ये सुदर्शन झील है जिसे मौर्यों के द्वारा बनाया गया था। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला डांग है। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लोग सोचेंगे नर्मदा है, लेकिन दोस्तों नहीं, गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की गुजरात और राजस्थान के इम्पोर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम स्टडी यूनिवर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।